इन्होंने क्या लिखा था बता, जनता जानना चाहती। नो वन वॉच वन आवर, वो क्यों लिखा था उसको ये नहीं बता आज सर। आज बता, आज रिवील कर दीजिए क्यों लिखा था। अजय भैया तो थोड़ा सिटी पार्क आए हुए थे और इस वक्त बज रहा है 1:45। तो स्वागत एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की जो स्टोरी है वो स्टोरी बेसिकली प्री वेडिंग शूट की है। तो प्री वेडिंग शूट जो बेसिकली यहीं पे हुआ हुआ था, इस वजह से मैंने सोचा कि इस स्टोरी को यहीं पे आके टेल करते हैं ताकि आपको मुझे ट्रैक्शन हो सके। तो इस बार का जो प्रोजेक्ट है वो मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, वो प्रोजेक्ट है एक वेडिंग शूट का। तो यहाँ पर आए हुए हैं और ये व्लॉगिंग चल रही है। तो मुकेश भाई तैयार हो रहे हैं और इनको तैयार भी होना चाहिए। तो यहाँ पे सिटी पार्क आ गए हैं, यहाँ पे एक मेला लगा हुआ है, मुझे मेले के बारे में पता नहीं वरना मैं व्लॉग करता। तो जैसे ही जब मैं सिटी पार्क की तरफ गया तो देखिए मुझे कौन मिला, साथ मिला कौन है बताइए। बताइए मिला कौन है हमको, आशीष सर मिले हमको। तो आशीष ने कहा कि ट्रेड फेयर आप घूम लीजिए, तो मैं ट्रेड फेयर घूम रहा था तो उसका एक अलग से व्लॉग बनाऊंगा, चिंता मत करिए। हाँ, ट्रेड फेयर का व्लॉग बना चुका हूँ मैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड वॉच दिस। तो पहला टेक हो चुका है काफ़ी देर बाद और इस वक्त अब हम जा रहे हैं दूसरे टेक की तैयारी में, क्योंकि अब हमें ड्रेस को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे साथ है मुकेश भाई। मुकेश भाई कुछ बताइए व्यूवर्स को, कैसा लग रहा है शूट करके? बहुत ही मज़ा आ रहा है, वीडियो मज़ा आ रहा है और बहुत अच्छे अच्छे लोकेशन है। हाँ। बहुत अच्छे अच्छे शॉट ले रहे शॉट्स ले रहे हैं हमारे भाई। ऐसा मैंने कुछ बोलने को नहीं कहा था, ठीक है? नहीं है, अगर आपकी कभी शादी होती तो आप प्री वेडिंग या वीडियो शूट जो भी करानी है हमारे भाई से कराएं। हाँ जी जी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जीमेल। क्योंकि ये मेरा पहली बार कर रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा इसमें टेक लेना पड़ रहा है, क्योंकि हमको एक अच्छी क्लिप डिलीवर करनी है। क्यों आकांक्ष? बिल्कुल बिल्कुल, तो टेक तो लेने पड़ेंगे ना। जी जी बताओ। हाँ, देखो इस पे पहनना मुझे। कितना सारा सामान यहाँ फैला के देख, अंधा पैसा। और फिर शूट करते करते हम लोगों को लग गई बहुत तेज भूख लग रही है, शक्ल पे लिख रहा है अब देखो तो। अच्छा तो एक सवाल इस पे, हाँ, प्रोडक्शन जब मेरे हाथ में था क्या तुम्हें भूखी भूखा रखा गया अरे था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। प्रोडक्शन किसके हाथ में है? मुकेश भाई के हाथ वो में। पता करते हैं। ओके, तो ये इन्होंने इनका कहना है कि मैडम को लो, मैडम प्रोडक्शन। अच्छा ये मैं जी, तो भैया के बारे में बोलो कैसे शूट हो रहा है, क्या चल रहा है? मेरी नाक मुठी ले दे, अब सही लग रही है। नहीं नहीं बहुत परफेक्ट, ठीक है, शी इज वेरी प्रिटी एंड जी यही है जो है, यही है, यही प्रोडक्शन वाले हैं, यही प्रोडक्शन वाले हैं, सुबह से भूखा रखे हैं हम, सुबह से लावारिसों की तरह घूम रहे सिटी पार्क का रास्ता नाप रहे। नहीं नहीं बाय द वे जो सारी बातें थी वो मजाक में कही गई थी। मैम बताइए कैसा लग रहा है, आप तो पहली बार शायद इस तरह का शूट कर रही होंगी, राइट? हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं मेरा शूट मैं पहली बार नहीं कर रही जी, बट हाँ आई फील सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फाइड, बहुत मजा आ रहा है। कहता हूँ भाई ने इज्जत, चल अरे ये देखिए कौन आ गया, बताओ 3 घंटे से इनका वेट कर रहे हैं, अभी चाबी क्या क्या फिर से प्रैंक। दावर भी यहाँ शूट करो ना, देखो शूट वाला सीन यहाँ पे। आप हो तो आप क्या कर रहे हो, आप लगाओ ना। नहीं, नहीं। आप पैसा कटेगा, पैसा ले रहे काल आयो यार, ये बताओ सब छोले भटूरे हैं और छोले भटूरे में और बैग में भर भर के लाया भाई, बैग बैग भर के लाया और बैग में वहाँ चले बैठ के खाए। और हाँ कहानी से भी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए चाय, बताओ चाय 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 बताओ, मुझे पहचानते हो ना हम लोग, में देखा होगा पहचान जाओगे, खा के मिलते हैं बाद में। तो सिटी पार्क की शूटिंग करने के बाद जो आई थिंक ऑलमोस्ट 70% थी, उसके बाद हम होटल में गए, अल्फा 2 के अंदर ही होटल है। तो होटल में जब हम शूटिंग कर रहे थे, अब होटल आ गया, आप लोगों का बजट है ना, बजट हाई है, तो बजट की बात जैसे ही मैंने की, ये देखिए बजट, खाली प्लेट है, खाली प्लेट इज नॉट बजट, लोकेशन इज बजट, यस। मैम इज वेरी हैप्पी, सर इज वेरी हैप्पी, व्हाट अबाउट कॉफी, बताओ
अच्छा हाँ, मैं आप लोग सोचेंगे मैं कॉफी लवर हूँ, बट ऐसा नहीं है, टी लवर। कोई सोच भी नहीं रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। तो इस लड़की ने कर दी मेरी बेइज्जती। होटल के बाद जो हमारी अगली लोकेशन थी वो थी रोड पे, बट वो बेसिकली मैंने व्लॉग नहीं बनाया वहाँ पे। उसके बाद थी हमारी डांस एकेडमी, और हाँ डांस एकेडमी वाली जो शूटिंग और प्रैक्टिस थी वो ओरिजिनल वीडियो में आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि वो पार्ट इस स्टोरी का इनिशिएट था तो मैंने उसको कट कर दिया था। बट हाँ वो प्रॉपर शूट हुआ था वहाँ पे, उसका वीडियो बना हुआ है, बताने की कोई बात ही नहीं थी। जब आप ऐसी लोकेशन पे आ जाओ तो आप क्या करते हो? जब आप पहले सिनेरियो को चेंज करते हो एंड रुकिए 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 रुकिए, यहाँ पे आपका भाई एक चीज़ बताना भूल गया, ये जो तीनों चारों लोग हैं ये डांस सीखते हैं, डांस जानते हैं, डांस करते हैं। और हाँ अगर आपको डांस करना नहीं आता और आप थक चुके हो, आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कुछ इस तरह से हाँ। Hey guys, तो फाइनली अब शूट की आखिरी लोकेशन, अब इसके बाद हम लास्ट डेस्टिनेशन पे चलेंगे, और वो इनका शायद घर है, और उस घर की छत पे हम लोग शूट करेंगे। और अभी इस वक्त बज रहा है, कितना बज रहा है? 9 बज रहा है, एग्जैक्टली 9 o'clock हो रहा है, तो हम मैम 10:30 बजे तक शूट करके कंप्लीट कर देंगे। मौज आ गई है, मौज। अभी एक टेक बचा है साहब, तो नो बैकअप, बट आप जा रहे हो? हाँ मैं जा रही हूँ। गेट लॉस्ट, बाय बाय, पहले फुर्सत में निकलो। और फिर गाते बजाते हम पहुंच गए अपनी लास्ट पड़ाव पे, लेकिन रात काफी हो चुकी थी, इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मेट्रो पकड़ के सीधा घर। और फिर ठीक 10 दिनों बाद 31 दिसंबर को मैं फिर मुकेश भाई की छत पे गया, वहाँ पे लोकेशन देख रहा था, डिसाइड कर रहे थे कि शूट कैसे करना है, क्योंकि रात का मुझे टेक लेना था, क्योंकि वो जो शॉट लास्ट वाला जो आपने देखा होगा वीडियो में वो मुझे रात में चाहिए था, तो उसके लिए मुझे सेटअप के लिए बल्ब, मिनी लाइट, इन सब का इंतज़ाम चालू था, और इन सब का इंतज़ाम चल रहा था, चाय चल रही थी, ये सब सारी चीज़ें। तो इसी बीच भाई जब मैं बताना भूल गया कि आज मुकेश भाई का बर्थडे भी था, आज ही है ना सर? हाँ, तो हैप्पी बर्थडे सब लोग बोल दो भाई, और 31 दिसंबर इस वक्त आज है, और कल न्यू ईयर भी है, तो केक खा लेते हैं, चाय भी पी लेते हैं। अगर मुकेश भाई घर आप गए और सागर और आकांक्षा नहीं पहुंचे तो फिर आप गए क्यों? बट सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इन दोनों कपल्स की शुरुआत लड़ाई से हुई कि मोहब्बत से हुई? दे आर फाइटिंग। अरे खुद ही देख लो ना यार, इन्होंने क्या लिखा था बता, जनता जानना चाहती। सर आज बता, आज रिवील कर दीजिए क्यों लिखा था। मैं बता रही हूँ, इन्होंने मुझे बोला कि क्लास है 3 to 8, मुझे लगा कि 3 to 8 कंटिन्यूअसली चलती है, मतलब सर नहीं मैं 3 to 6 ले पाऊंगी, कि ठीक है नो वन वॉच वन आवर, मुझे समझ नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटा कोई बात नहीं, वो अपना फ्री में। अच्छा तो इधर से सही बैठ रहा है ये, और फिर ये सब करते करते एक बार फिर से कर दी हमने रात। और अभी तो मौसम ठीक है, काफ़ी गर्मी है, धूप में आप देख रहे होंगे मैं बैठा हूँ, बट उस टाइम भयानक ठंड थी, और इस भयानक ठंड से बचने के लिए हमने कर दिया इंतज़ाम। उसके बाद देखिए सेटअप, यहाँ हमारे आग लग गई, सागर आ चुके हैं, लाइटिंग का सेटअप आप देख सकते हैं किस तरह से बेहतरीन खूबसूरत तरीके से किया गया है, और ठंड का माहौल थोड़ा बन रहा है, दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पर आग का माहौल बना रहे हैं। और मैं रहूं और प्रॉब्लम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है बताओ? हो सकता है कैसे बताओ? हो देख लो, ये अंधेरा क्यों है आकांक्षा बताना जरा। फैक्ट ये था कि सब बिगड़ गया, 5 वोल्ट्स हो गए ठीक है, और वायर बॉक्स वगैरह फूट गया, अकल की थोड़ी कमी लगा दी। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, एक लो वोल्टेज वाले एक्सटेंशन बोर्ड में इन लोगों ने हाई पावर की और हाई वाट वाली वो लगा दी स्पॉटलाइट्स, और उसके अंदर फिर उन्होंने वो
वो झेल नहीं पाया, कलर वाली जो लाइटें होती है वो भी लगा दी, सब फूक गया, वो बेचारा झेल नहीं पाया इतना बर्डन। अब क्या होने वाला, मर गया। और मैं इसलिए नहीं बोली कुछ भी, मेरे को दोपहर में कमेंट मारा था किसी ने कि बोलना नहीं चाहिए, इसलिए बोली नहीं। मुझे लगा साइंस वाले, साइंस के टीचर काम कर रहे हैं तो साइंस लगा ही लेंगे। बड़ी बेइज्जती। और इस बेइज्जती के बाद आपके भाई ने हार नहीं मानी, और फिर देखिए दोबारा हमने सेटअप किया और दोबारा सारी चीज़ों को सेटअप किया और एक्चुअली शूट भी कंप्लीट कर लिया हमने। क्यों मुकेश भाई, बिहाइंड द सीन का बिहाइंड सीन। हाँ भैया, अगर आपने ओरिजिनल वीडियो नहीं देखी तो फिर देखा क्या है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आई बटन पे आ जाएगी, देख लेना यार, ठीक है। तो अब लास्ट बात है, अब मुझसे क्या सुनोगे, उस वाले दावर से सुन लो, ठीक है। मिलेंगे अगले व्लॉग में। सुनने से पहले रुको, मुकेश भाई आपके लिए वीडियो जाके ले जाओ यार, बन के रखी है प्रॉपर, ठीक है। और मिठाई ले। तो बस कहना इतना है कि ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रखिएगा, और चैनल पर देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कैमरा है और ये भैया है, ये मैं हूँ, वीडियो शूट कर रहा था। अच्छा, YouTube देखते हैं आप? क्या YouTube देखते हैं? मोबाइल में जो आता है, हाँ, नेट से चलता है। अच्छा। तो उसमें मैं वीडियोस डालता हूँ। ठीक है, जैसे WhatsApp बोलते हैं वो अलग होता है। WhatsApp पे तो मैसेजिंग होती है ना? मैसेज जी। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर? तो ये पेड़ पौधे सफाई कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, सफाई कर रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। मैं शूटिंग कर रहा था, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। शुक्रिया आपका।